everyone, welcome or welcome back to my channel, myself Antima Dubey. So, सबसे पहले I'm sorry guys because मैं अपनी videos continue नहीं लेके आ पा रही हूँ and reason current situation आप लोगों को पता ही होगा. जैसे situation normal होती है मैं अपनी videos continue लेके आऊंगी and इसी के साथ मैं चलती हूँ अपनी आज की video के topic पर, जो कि title पढ़ के आप लोगों को थोड़ा बहुत idea लगी गया होगा कि मैं किस बारे में बात करूंगी. तो जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथ हो, सभी लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अपना इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रखें. और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये मत कहना कि मैडम आप जो बता रहे हो इसको करने से कोरोना नहीं होगा क्या, या जो भी रामदेव जी बताते हैं या जो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब उनका मजाक उड़ाते हैं कि क्या गिलोय खाने से कोरोना नहीं होगा, या काढ़ा पीने से कोरोना नहीं होगा, या दीपक जलाने से कोरोना नहीं होगा, या थाली बजाने से कोरोना नहीं होगा. तो यार थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो. कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि इस चीज को करने से कोरोना नहीं होगा. हम इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो हमारी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है रोगों से लड़ने की, वो स्ट्रांग हो. आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इसी डिजीज से, कोरोना से ही कितने लोग ठीक होके आ गए बट कितने लोग नहीं आ पाए. सेम मेडिसिन, सेम ट्रीटमेंट सब पे था बट नहीं आ पाए, बिकॉज जो ठीक होके आ गए उनकी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी वो स्ट्रांग थी, वो जीत गए उस चीज से. लेकिन जो लोग नहीं आ पाए उनकी बॉडी में उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक था और वो लोग हार गए. तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इन सब चीजों को करने से आपको ये डिजीज होगी नहीं. इसका ये मतलब है कि आप अगर इस चीज को करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप रोगों से लड़ पाएंगे. तो आज मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगी वो है सनलाइट, सूर्य की रोशनी. क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो इंडोर जनरेशन हो चुकी है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, या हम वर्कआउट भी करते हैं तो हम जिम में वर्कआउट करना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती. गाइस जिस तरह पेड़ पौधों को, हमारे खाने की चीजों को, फसलों को सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को भी सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है. आज के टाइम में अगर आप एक छोटे से बच्चे का भी टेस्ट करवाएंगे तो उसका विटामिन डी आपको कम ही मिलेगा. हम बाहर जाना भूल से गए हैं, हमारी हड्डियां खोखली हो गई हैं, हमें बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, हमें जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो गया है. इतना ही नहीं, इसकी वजह से हमें और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी हैं, जैसे कि डिप्रेशन, नींद ना आने की प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायरॉयड, पीसीओडी, हॉर्मोन्स इनबैलेंस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें इस वजह से होने लगी हैं. जो लोग गांव से हैं उन्हें जरूर पता होगा कि जब हमारे अनाज में या किचन में रखी किसी भी चीज में कीड़े या फंगस लग जाते हैं तो उसे हम सूर्य की रोशनी में एक दो दिन के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है. इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज तो सूर्य को स्वास्थ्य और खुशी का देवता भी मानते हैं, उनको अर्घ देते थे, उनकी पूजा करते थे. जो लोग योग करते हैं उनको पता होगा कि हम योग की शुरुआत में सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं. और इतना ही नहीं, नेचुरोपैथ में तो अगर हमें कोई जख्म हो जाता है या घाव हो जाता है तो उसको हील करने के लिए सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने को बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं. आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पे कुछ भी प्योर नहीं है, हर चीज में मिलावट है, हमारे खाने में मिलावट है, हमारे पीने के पानी में मिलावट है, यहाँ तक कि जिन हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें भी मिलावट है. लेकिन सूर्य की रोशनी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल शुद्ध है. अगर हम सही तरीके से, जो तरीका बताया गया है, उस तरीके से रेगुलर सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमारे अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. हम खुश रहना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो हमें हमेशा खुश रखने में मदद करता है. हमारी स्किन डिजीज ठीक होने लगेगी, बड़े से बड़ी स्किन डिजीज जैसे सोराइसिस तक भी ठीक होने लगता है. ऋग्वेद में तो ऐसा भी कहा गया है कि सूर्य की रोशनी ऐसा कोई रोग है ही नहीं जिसे ठीक नहीं कर सकती, तो ये हमारे लिए एक जीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट भी हुआ. और एक चीज ध्यान में रखना कि सूरज की रोशनी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के थ्रू ले सकें. आप जब तक टैबलेट खाते हैं तब तक आपका विटामिन डी ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टैबलेट छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका विटामिन डी फिर से आपको कम मिलेगा. तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कि हमें सनबेदिंग कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए. तो मैं जो सबसे पहली चीज आपको बता दूं वो है कि सनबेदिंग करने का सबसे सही टाइम जो है वो है सनराइज के एक दो घंटे बाद, मतलब सूर्योदय के एक दो घंटे बाद तक, और सनसेट के मतलब सूर्यास्त के एक दो घंटे पहले. क्योंकि उस वक्त जो है सूर्य की रोशनी जो है, सनलाइट जो है, बहुत तेज नहीं होती, जिसकी वजह से हम आराम से बैठ के सनबेदिंग कर सकते हैं और हमें कोई हार्म भी नहीं होगा. तो जो दूसरी चीज आती है वो है कि हमें सनबेदिंग कितनी देर के लिए करनी चाहिए. तो 20 से 30 मिनट तक आप डेली सनबेदिंग आराम से कर सकते हैं.
और तीसरी चीज कि हमें सन बेदिंग कहाँ और कैसे करनी चाहिए। तो जहां पे भी सनलाइट डायरेक्ट आती हो, हमारी बालकनी हो गई, छत हो गया, पार्क हो गया, पार्क में तो अभी हम नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही कोशिश करें कि बालकनी या छत पे या रूम में ही अगर सनलाइट डायरेक्ट आ रही है तो हम वहां पे आराम से सनबेदिंग कर सकते हैं। और जब भी सनबेदिंग करें तो कोशिश करें कि पतले से पतला कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा पहने और हो सके तो व्हाइट कलर का कपड़ा पहने। इससे जो सूर्य की रोशनी है वो पूरी तरह से हमारे अंदर जाएगी। और अगर हम आधे घंटे सनबेदिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 15 मिनट फ्रंट से मतलब सामने से धूप लें और 15 मिनट पीछे से मतलब बैक से धूप लें। इससे क्या होगा कि सूर्य की गर्मी जो है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में जाएगी और सनबेदिंग का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज के लिए कि प्लीज सनबेदिंग से पहले SPF मत अप्लाई करना या किसी ग्लास के थ्रू, विंडो के थ्रू जो है सनबेदिंग मत करना, क्योंकि उससे आपको जीरो बेनिफिट मिलेंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फीमेल्स को थोड़ा कंसर्न रहता है। फीमेल्स को क्या सभी को कंसर्न रहता है कि अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमारी स्किन टैन हो जाएगी, हम काले हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि सुबह और शाम में जो धूप होती है वो इतनी तेज नहीं होती कि हमारी स्किन को डैमेज कर सके, हमें टैन हो सके। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप सन बेदिंग के टाइम पे अपने फेस को किसी कपड़े से ढक सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं फिर से कहना चाहूंगी वो है कि स्किन कलर पे इतना ध्यान मत दो, गोरे काले के चक्कर में इतना मत पड़ो। मेरे हिसाब से अगर कोई एक फेयर इंसान है लेकिन वो हमेशा बीमार रहता है, बेड पे पड़ा हुआ होता है, तो वो कितना स्मार्ट लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई सांवला है, कोई डस्की है, बट वो हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो वो स्मार्ट लगेगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप इन सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो। हमारे लिए हमारी हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, ना कि स्किन कलर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, एंड बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।